लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। खबरदार, जो किसी ने इसे हाथ लगाने की हिम्मत की, इसे मेरी गोली लगी है। ये मेरा शिकार है। तुम्हारी गोली से तो चूहा भी नहीं मरेगा, ये शेर है, शेर, समझे? देखो सेंगर, मुझे मत ललकारो, मैं जुबान से नहीं बंदूक से बात करता हूँ। तुम बंदूक से बात करते हो और मैं फैसला। इस पवित्र तलवार की सौगंध, जब तक वह हत्यारा जिंदा है, हमारे लिए पानी की एक बूंद भी पीना हराम है। फिर विजय, कमीने, तेरी मौत जब बुला रही है, बारा। अपने बाप से जाके बोल कि वह बाहर आए और हमसे टक्कर ले। सेंगर, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत नाजुक है, चुपचाप यहां से चले जाओ। हम जाने के लिए नहीं, तेरे बाप को मौत के घाट उतारने के लिए आए हैं। सरकार, छोटे सरकार, बड़े मालिक का स्वर्गवास हो गया। मैं ये तलवार तुम्हारे सीने के पार कर सकता हूं, लेकिन इस मौके पर मैं अपने हाथ खून से नहीं रंगना चाहता। याद रखो, अगर आज के बाद तुम्हारे खानदान का कोई भी आदमी इस इलाके में दिखाई दिया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दबाओ जाओ यहां से, दबाओ जाओ यहां से।
मुझे उतरने तो दो गाड़ी से। डैडी यू नो आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हैं। और तुम भी तो दुनिया की सबसे अच्छी लाडली हो। डैडी मेरे बर्थडे का गिफ्ट है क्या? बर्थडे गिफ्ट समझ ले, चाहे एक बाप की अपनी बेटी के लिए दुआ। अरे अरे ये क्या कर रही है? अरे एक मिनट ठहर तो सही तू, अभी इसकी सवारी मत कर, पहले बाकायदा इसकी ट्रेनिंग तो होने दे। बड़ा सर्कश और मुंह जोर घोड़ा है। ओहो डैडी डोंट वरी, नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू मी एट ऑल। दुर्गा तू बहुत जिद्दी है। ए दुर्गा हट जा ना डैडी प्लीज, कम ऑन दुर्गा। दुर्गा अदा करके मैं आपके एहसान को मामूली नहीं बनाऊंगी। शुक्रिया किस बात का? एहसान तो मुझ पर किया ऊपर वाले ने, जो ये हसीन इत्तेफाक अदा करके मानो मुझको जान बख्शती है। आ गई तुम? डैडी आज अगर ही नहीं मिलते ना तो समझ लीजिए आपकी बेटी इस वक्त इस दुनिया में नहीं होती। कैसी शुभ बातें कर रही हो आज के शुभ दिन? आइए चलिए। आखिर हुआ क्या? हुआ ये ठाकुर साहब, हम दोनों की मुलाकात होनी थी, हो गई। और आप तो अच्छी तरह से समझते हैं कि जो चीज होनी है बैठिए, उसको पेश करने का उसका अपना एक अंदाज है, और ये उस अंदाज को सच समझकर हमारी इस मुलाकात को नजरअंदाज कर रहे हैं। उफ, आपसे तो बात करना बहुत ही मुश्किल है। डैडी इनसे मिलिए, ये है कुंवर भंवर सिंह डांगा। अरे आप इन्हें जानते हैं? ये तुम्हारे डांगा अंकल मरहूम के साहबजादे हैं। अपनी स्टेट का कारोबार संभालने के लिए अब ये यहीं रहने लगे हैं। कुंवर साहब, जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। बबलू तुमने फिर मार काट का खेल शुरू कर दिया। पिताजी आप इसे समझाते क्यों नहीं, सारा दिन बंदूक से खेलता रहता है, इसके पास और भी तो खिलौने हैं। सदा सुहागन रहो बहू, लगता है तुम पर अपने पति के शांति बात का असर पड़ गया है, वरना तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि राजपूत तो बचपन से ही बंदूक और तलवार से खेलता है ना। जमाना बदल गया पिताजी, लेकिन आपके ख्यालात नहीं बदले। बरखुरदार हमारे ख्यालात कोई गिरगिट नहीं जो मौका देखते ही अपना रंग बदल दे। रंग तो कुदरत भी बदलती है पिताजी। देखा बहू, ज्यादा पढ़ने का यही नतीजा है, यानी बात अभी शुरू हुई नहीं बहस शुरू हो जाती है। अरे ये विशाल इस वक्त कहाँ जा रहा है? जय को देखने जा रहे हैं, सुबह से फार्म पे गया है, दोपहर को खाना खाने भी नहीं लौटा। उसके लड़ने झगड़ने की आदत है ना, इसीलिए फिक्र हो रही है। बहू तुम खाम खा जय की फिक्र न करो, वो अपने भाई की तरह जिंदगी के मसलों को किताबी नजरिए से नहीं सुलझाता, ताकत के लाठी से सुलझाता है, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। साहब
ये ट्रक तो इस रजिस्टर में दर्ज नहीं है। इधर आ। जी साहब। जानता नहीं मैं यहाँ का मैनेजर हूँ और तू सिर्फ चौकीदार। जा गेट खोल। साहब आपको मैनेजर बने 20 दिन हुए हैं और मुझे यहाँ 20 साल हो गए हैं। आप नहीं जानते हमारे मालिक लोग बहुत सख्त हैं। अरे सुन तो, घबरा मत, मालिकों को कुछ पता नहीं चलेगा। ले। नहीं साहब, अपने पास रखो। ले। मैं नहीं लूंगा, मुझसे पाप ना होगा। अरे साहब आप ना खोलिए, मैं बोलता हूँ। ओए हट। मैं कहता हूँ मत खोलो इसे। ओए हट। चोरी करता है हाँ? क्या इसीलिए तूने मुझसे नौकरी की भीख मांगी थी? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस भी करो, अब मार डालोगे क्या? भैया आप नहीं जानते लकड़ियों की चोरी करता है। अरे जाने भी दो उसे, बहुत पीट चुके हो, चलो। और फिर चोरी की सजा मौत नहीं होती। भाई आप तो सच पूछिए ना तो किताबों ने आपको जरूर से ज्यादा ही रंगदार बना दिया। तू भी लेक्चर देने लग गया। पिताजी तो वैसे मुझे देखकर लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। चल चल बैठ। शाबाश, इधर भी ये ले सलो। पिताजी आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो। समझ में नहीं आता इतना पढ़ लिख कर क्या करोगे? चलता हूं। अच्छा भैया जल्दी कीजिए, देर हो रही है। का ख्याल रखना। आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। इतनी जल्दी क्या है तेरे को? बाय 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 बबलू। चल कमाल करते हैं आप। आहिस्ता चला जाए, आहिस्ता चला। आहिस्ता चला रहा हूँ भैया। मैं तुझसे कहता हूँ एक्सीडेंट हो जाएगा, तू सुनता नहीं मेरी बात। आहिस्ता चला। आहिस्ता चला। क्या है तेरे को? आराम से चला, अभी ट्रेन छूटने में बहुत टाइम। अरे भाई स्टेशन बहुत दूर है और टाइम भी कितना कम है अपने पास। तो आहिस्ता करता है या मैं? अब क्या हुआ? ऑटो को हो गई ना गाड़ी खराब। देख देख देख, मजाक मत करो, जल्दी कर। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सही कह रहा हूँ। देखता हूँ भाई। अरे भाई क्या गड़बड़ हो गई है? अरे भाई देख तो लू क्या गड़बड़ हो गई है, जल्दी कर। लगता है रफ्तार के बारे में हमारी तकरार सुन के ये जीप। रोकिए रोकिए भाई साहब, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, आप स्टेशन तक छोड़ देंगे तो मेहरबानी होगी।
आइए बैठिए। जय बैग यश विद्यानगर। अपना ख्याल रखना और देख बदमाशी मत करना थोड़ी बहुत। दादा ने बनवाई थी भाई वाह। आपके सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज की तारीफ करनी होगी। आपको कैसे पता चला कि सड़क मेरे परदादा ने बनवाई थी? शट अप! मैं कहती हूँ फौरन अपनी खटारा को किनारे लगाओ वरना ऐसा मजा चखाऊंगी कि तुम्हें खुद में और इन गधों में कोई फर्क नहीं महसूस होगा। शुक्रिया। कम से कम आपको इनमें और मुझ में कोई फर्क तो नजर आया। मुझे तो इनमें और आप में कोई दरअसल बात यह है कि अगर मैं इनसे कुछ कहूंगा तो ये समझेंगे नहीं और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इनसे कुछ कहोगी ना तो ये आपकी बात को समझेंगे भी और मानेंगे भी। आखिर अपने बुजुर्ग रिश्तेदार की बात को कोई टाल सकता है क्या? यू इडियट, तुमने मुझे इन गधों का रिश्तेदार बनाया है तो देखो इन गधों के साथ साथ मैं तुम्हारी क्या हालत बनाती हूँ। क्या हालत बनाएगी? देख लूंगा तुझे साले गधे। किसी बेचारे का उल्लू बनाकर आपको बहुत हंसी आ रही है। नहीं नहीं, उल्लू बनाकर नहीं जनाब, गधे भगाकर। ये क्या, आप तो हाथ नहीं जा रहे हैं। जानते हैं स्कोर क्या हो गया? 9 लव। मुझे लव पॉइंट्स हारने में बहुत मजा आता है। ऑल द बेस्ट। 10 लव। 11 लव। रुक जाइए, आज अचानक इस टेबल के नीचे घुसकर मुझे लगता है जैसे मेरा बचपन लौट आया हो। आप जानते हैं जब मैं बच्ची थी ना तो इसी तरह टेबल और कुर्सियों के नीचे घुसकर गुड्डे गुड्डी की शादी का खेल खेला करती थी और डैडी कहा करते थे कि शादी का खेल मत खेला कर वरना तेरी शादी भी जल्दी कर देनी पड़ेगी। और अब देखिए वक्त कितनी जल्दी गुजर गया। कभी सोचती हूँ कि अगर मेरी शादी हो जाएगी तो डैडी कितने अकेले हो जाएंगे। कितने अच्छे हैं मेरे डैडी। आप सोच रहे होंगे कैसी पागल लड़की है ये, अपनी शादी की बात खुद कर रही है। लेकिन आपसे क्या छुपाना, न जाने क्यों आपसे अपनी बात कहना बहुत अच्छा लगता है मुझे।
ये क्या है? ओ, ये तावीज मेरे लिए बहुत लकी है। जिस दिन ये मुझे मिला था ना, उसी दिन मेरी मुलाकात आपसे हुई थी। अच्छा, ये तावीज लकी है? तो फिर कुछ दिनों के लिए मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे राजगढ़ जाना है हर्डल रेस के लिए। क्या मालूम, शायद इस तावीज की वजह से मैं वो हर्डल रेस जीत जाऊं। कमाल करती हैं आप। भला मैं आपको कभी इनकार कर सकता हूं? थैंक यू सो मच। आइए कुंवर साहब, आइए। कहिए कैसे मिजाज हैं? आपने आने में जरा देर कर दी। दुर्गा को गए हुए मुश्किल से अभी 5 मिनट हुए होंगे। आइए 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 ना। चलिए। जाने से पहले आप ही को याद कर रही थी, कह रही थी कि अगर वो घुड़सवारी का मुकाबला जीत गई तो इस कामयाबी की सबसे बड़ी वजह आप होंगे। जी। दुर्गा भी आपके लिए बिल्कुल ऐसा ही गुलदस्ता छोड़ गई है। दोस्तों, घुड़सवारी के अनोखे मुकाबले को जीतने के लिए हमने कदम कदम पर आपके सामने मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं। जो घुड़सवार इन मुश्किलों को पार करता हुआ सबसे पहले इस लाल झंडे को उठा लेगा, उसे विजय घोषित कर दिया जाएगा और बतौर इनाम यह खूबसूरत ट्रॉफी पेश की जाएगी। अब मुकाबला शुरू होने जा रहा है। अरे एक मिनट ठहरिए। सॉरी सॉरी एवरीबॉडी। तुम कहां से आ गए लल्लू राम? ये घुड़सवारी की रेस है, कोई गधे सवारी की रेस नहीं। और तुमको तो वैसे भी आदत है गधों के ही सहारे अपनी मंजिल तक पहुंचने की। गधों के सहारे नहीं, गधियों के सहारे। जिन्हें तुम पीट रही थी ना, वो गधे नहीं गधियां थी। तुम्हारी तरह खूबसूरत, सुंदर, गोल गोल, प्यारी। यू इडियट।
इस मुकाबले के इतिहास में पहली बार दो सवार एक साथ जीते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रॉफी है। कोई बात नहीं, ये ट्रॉफी मुझे दे दी। अरे क्यों, आपके सर पे सुरखाब के पर लगे हैं जो मैं आपको ये ट्रॉफी लेने दूं? सुरखाब के पर नहीं हुजूर, लेकिन दुनिया भर में एक कायदा होता है, लेडीज फर्स्ट। अगर आप औरतों जैसे पेश आए तो मैं आपकी बात पर गौर करूंगा। बेहतर यही होगा कि आप आपस में फैसला कर लीजिए कि ट्रॉफी कौन लेगा। ठीक है, एक लेडी होने के नाते ये ट्रॉफी मैं आपको पेश करती हूँ। थैंक यू। लीजिए। पछताओगे जी तुम, अपने इस नादाने पर पछताओगे जी तुम, आग लगाए तो खुद भी जल जाओगे जी तुम। जमाना मेरा है, जमाना मेरा है, जमाना मेरा है, जमाना मेरा है। पूजा यही है एक कमजोरी, वरना तुम जैसों की हम पर चले न सीना जोरी। बात सुन लो जरा तुम हमारी, दुश्मनी से तो बेहतर है यारी। से कहीं तन्हा मिलना चाहता हूं। जरूर, रात के ठीक 11 बजे होटल के पीछे मैं आपका इंतजार करूंगी।
दुर्गा, दुर्गा, अरे दुर्गा, कहाँ हो तुम दुर्गा? जब मिलने के लिए आ ही गई हो तो शर्माना कैसा? आओ। आ जाओ। देखो मेरी खुली बाहें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। आओ। मुझे माफ कर दो गमा। ओह, आई एम सॉरी। बैल पिता, बैल पिता मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, अरे अरे क्या फंस गए? अरे 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 अबे हंस क्या रहा है? अच्छा मुझे यहां लटका के हंस रहा है? लगता है यही सोना पड़ेगा मुझको। अरे मेरी दुर्गा, दिखाई नहीं देता। तू चुप बैठ बुद्धू, ज्यादा होशियारी मत दिखा। मैं बुद्धू? आया ना मजा? और मजा चकाते इन लड़कियों को। यहाँ तो कोई रास्ता नहीं। क्यों? जब मैंने कहा था तो बुद्धू कहकर खामोश कर दिया। अब देख लिया ना अपनी होशियारी का नतीजा। ओफो, तुम लोग झगड़ा क्यों करती हो? चलो वापस चलते हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर? ये डर किस चिड़िया का नाम है? देखा सरदार, इन लड़कियों का हौसला देखा? ये आपसे पूछने की जरूरत कर रही है कि कौन है आप? जिसके नाम से हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में डर की लहर दौड़ जाती है। तुम नादान, उसी डाकू घमासान से पूछ रही हो कि कौन है आप?
तो डाकू घमासान जी, जिनके सर पर 2 लाख का इनाम है। 2 लाख? नहीं 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 नहीं, 2 लाख तो कल था, आज 5 लाख है। अरे सरकार ने सरदार के सर के साथ साथ उनके पैर की भी कीमत लगा दी है। लेकिन तुम हमसे क्या चाहते हो? अरे हम वही चाहते हैं जो सरदार चाहते हैं, और सरदार चाहते हैं कि तुम गाना गाओ। गाना? हाँ। अरे हमारे सरदार को फिल्मी सरदार की तरह गाने का बहुत शौक है, और खासकर नाचने के साथ, और खासकर वो गाना, मार दिया जाए के छोड़ दिया जाए। नाचो, गाओ, गाओ, नाचो। लड़के तो क्यों नहीं नाचते? मैं नहीं नाचूंगी। क्यों? तूने हमारा हुक्म नहीं सुना? मैं किसी का हुक्म मानने की आदी नहीं हूं। अच्छा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं? इसे यहां से हटा दो, वरना 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 मैं नाचना शुरू कर दूंगी। शाबाश मेरी जान। खुशी में यहाँ तो पहले से जश्न मनाया जा रहा है, समा के साथ साथ सामान भी मौजूद है। रुक क्यों गई? नाचो गाओ, हमारे सरदार को नाच गाना बहुत पसंद है। तुम्हारे सरदार को? हाँ हाँ, हमारे सरदार को पहचानती नहीं ने? यही है वो डाकू घमासान जिनके नाम से हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में डर की लहर दौड़ जाती है। इस इलाके में क्या हर डाकू का नाम घमासान है? इसका नाम घमासान है, इसका नाम भी घमासान है, अभी और कितने घमासान आने वाले हैं? क्यों बे, अपने आप को घमासान बताता है? कौन है तू? अच्छा अब समझी मैं, तो तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। आपकी असली तारीफ? खबरदार जो मुझ पर हाथ उठाया। मैं ठाकुर दिग्विजय सिंह की इकलौती बेटी हूं, अगर उन्हें खबर हो गई कि तुमने उनकी लाडली के साथ क्या सुलूक किया है, तो वो तुम्हारी ऐसी खबर लेंगे कि जिंदगी भर तुम्हारी ये दाढ़ी मूछ नहीं उगेगी। अच्छा तो तुम दिग्विजय सिंह की इकलौती बेटी हो? फिर तो वो अपनी लाडली की कीमत 5 लाख रुपए आराम से देंगे। क्या मतलब? मतलब अभी समझ में आ जाएगा। छोड़ दे मुझे, मैं छोड़ दे मुझे, छोड़ छोड़ देना मुझे। चलो we
ओहो, ये दुर्गा की बच्ची कहाँ चली गई? हाँ? आप यहाँ हैं? मैं कब से आपको तलाश कर रही हूँ। इसमें वो लिखा है जो मैं कहना चाहती हूँ पर शायद कह ना पाती। जानती थी कि आदमी कभी किसी को अपनी जान से ज्यादा भी चाह सकता है। हाँ जय, यहाँ से जाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरा दिल निकाल लिया हो। भगवान से यही दुआ है कि मेरी जान ले ले पर तुम्हारा साथ ना छूटे। मैं घर लौट रही हूँ, रोज सनसेट पॉइंट पे तुम्हारा इंतजार करूंगी। आओगे ना जय? तुम हम यूं ही हर दम वादा दिल भर मेरी दिल रुदा। हम तो तेरे लिए दुनिया दुनिया भी छोड़ दे तुझ बिन तेरे।
हरदम वादा वादा दिल पर मेरे दिल सेवाराम जी, काम ठीक होना चाहिए जी। मालिक, अब आपने मुझे अपना मैनेजर बना लिया है तो समझ लीजिए किसी चीज की फिक्र की जरूरत नहीं। सेवाराम आपकी ऐसी सेवा करेगा कि रास्ते में कोई बाधा ही आई। सेवाराम तिवारी जी जी, आपको सेवा का मौका चाहिए था ना, मिल गया। हाँ, जरा गाड़ी से बाहर निकलिए और जो ये पहिया खड्डे में अटका हुआ है ना, इसे बाहर निकालिए। एक काम करते हैं हुजूर, इस जीप को यही छोड़ देते हैं, मुश्किल से 4-5 कदम का रास्ता बाकी है, ठीक है? किसी भी चीज को बीच रास्ते में छोड़ देना हमारी फितरत में शामिल नहीं है, यह बात हमेशा याद रखना। सुनो, तुम कौन? हम चांगा हैं मालिक, इस इलाके के बीच आपके पिताजी का बहुत उपकार रहा हम पर, रहने को जमीन दिए, खाना दिए, हम आपकी खातिर अपनी जान दे सकते हैं और जरूरत पड़ने पर किसी दूसरे की जान भी ले सकते हैं। ठाकुर साहब, आजकल के रईसों में दान पुण्य की भावना बिल्कुल नहीं रही, उन्हें तो बस अपने शौक पर पानी की तरह पैसा बहाना आता है। यदि आप जैसे दानी धर्मात्मा की सहायता न मिलती तो इस मंदिर का निर्माण संभव न हो पाता। मंदिर तैयार कब तक हो जाएगा पंडित जी? इसी नवरात्रि तक ठाकुर साहब। लीजिए लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। जीती रहो बिटिया, परमात्मा तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। ठाकुर साहब, बिटिया रानी की कुंडली मुझे अब तक याद है, इनका विवाह इसी वर्ष हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, देख लीजिएगा मेरी बात झूठी नहीं जाएगी। अच्छा, तो अब आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। माँ और बाप की नजरों में यही तो फर्क होता है। बाप की नजरों में बेटी हमेशा छोटी ही रहती है, जबकि माँ की नजरों में उसे बड़े होते देर नहीं लगती। अच्छा हुआ जो पंडित जी ने हमें याद दिला दिया, हमें अपने लिए एक बहुत अच्छा सा दामाद ढूंढना है। अच्छा बेटी, एक बात सच सच बताओगे? पूछे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। सुनो ना, क्या मेरा यह सोचना सच है? सच सच बताओ। हाँ। आपका सोचना बिल्कुल सच है। आइए कुंवर साहब, आइए, आपकी उम्र बहुत लंबी है, मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। आप भी इनके बारे में सोच रहे थे? तब तो इनकी उम्र वाकई बहुत लंबी है।
क्योंकि मैं भी इनके बारे में सोच रही थी। आइए। भंवर सिंह जी, आपने तो हद कर दी, इतने दिनों कहाँ गायब रहे आप? आप राजगढ़ चले गई तो मैं आके करता। शहर में थोड़ा सा काम था, सोचा कि उसे खत्म करता हूँ। आप छोड़िए इन बातों को, आप पहले मुझे ये बतलाइए कि आपकी हर्डल रेस मुकाबले का क्या हुआ? मुकाबला तो हम जीत गए, लेकिन आपका वो जो तावीज है ना, वो हम आपको वापस नहीं लौटाएंगे, क्योंकि उस तावीज से जो हमने पाया है हम खोना नहीं चाहते। हम उस तावीज के बारे में बहुत सुपरस्टिशियस हो गए हैं। ये तावीज का क्या चक्कर है भाई? डैडी, पुजारी जी अभी आपसे जिस बात का जिक्र कर रहे थे ना, उसका और इस तावीज का एक बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे बहुत जल्दी है, मैं आपसे बाद में मिलूं। बाय बाय। दुर्गा जी मेरे आते ही चली गई। ठाकुर साहब, लगता है मैंने आपकी बातों में दखल दिया है। दखल दिया भी है और नहीं भी। आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। दरअसल बात दुर्गा की शादी की हो रही थी। कुंवर साहब, एक जवान बेटी का बाप होना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये तो आप भी समझते ही होंगे। और क्या हुआ कि अचानक कहां खो गए आप? आइए बैठिए ना। ठाकुर साहब, एक अर्ज है। फरमाइए। अगर आप मुझे इस काबिल समझें और आपको किसी किस्म का कोई एतराज ना हो तो दुर्गा जी की शादी मुझसे कर दीजिए। कुंवर साहब, आपने बिना किसी झिझक के दुर्गा का हाथ मांग दिया है और दुर्गा ने मुझसे लड़का ढूंढने से इंकार कर दिया है, मुझे इसका क्या मतलब समझना चाहिए? यही कि हम दोनों ने आपकी भारी जिम्मेदारी को हल्का कर दिया है। क्या बात है दुर्गा, क्यों इतनी गुमसुम बैठी हो? मुझे बहुत डर लग रहा है जय। डर? किस बात का डर? अगर हालात ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया तो? अच्छा एक बात बताओ। पूछो। एक पिता अपने होने वाले दामाद में क्या क्या देखता है? मेरा मतलब सिर्फ लड़के से है, उसके खानदान या उसके घर बार से नहीं। वो लड़के में यही देखता है कि वो अच्छा हो, शरीफ हो और कमाऊ हो। भले ही वो शक्ल सूरत से भद्दा और अकल से कंगाल हो। बाकी बातें बाद में, सबसे पहले तो वो शक्ल सूरत ही देखता है, और अगर दिखने में भद्दा हो तो शादी का सवाल ही नहीं उठता। और अकल से जीनियस भले ही ना हो, लेकिन जाहिल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर माने? फिर तो मेरे डैडी तुम्हें देखते ही रिजेक्ट कर देंगे। अब मेरा क्या होगा जय? हाँ? क्यों रिजेक्ट क्यों कर देंगे? मैं तो सिर्फ शक्ल का रोना रो रही थी, तुम तो अक्ल से भी गए। दुर्गा के बच्चे। नहीं, नहीं। जो होंठ झूठ बोले उनकी सजा जानती हो? उन्हें सच बोलने वाले होंठों से खामोश कर देना चाहिए। दुर्गा। वाह, होनहार बेटी हो तो ऐसी। दुर्गा, तुमने एक बाप की जिम्मेदारी का बोझ हल्का कर दिया। बेटी, तुम्हारी पसंद वाकई काबिले तारीफ है। थैंक यू डैडी, लेकिन आपको कैसे पता चला? ऐसे कि हम एक बुद्धू लड़की के बाप जरूर हैं, लेकिन बुद्धू नहीं है। जिस बात को तुमने इतना छुपाने की कोशिश की, उसे कंवर साहब ने जरा भी छुपाने की जरूरत नहीं समझी। तुम्हारे जाते ही उन्होंने तुम्हारा हाथ मुझसे मांग लिया। फिर? फिर क्या, हमें तुम्हारी मर्जी मालूम नहीं क्या? हमने शादी के लिए हाँ कर दी। गॉड, ये आपने क्या किया डैडी? मैं कंवर साहब से शादी नहीं करना चाहती। क्या
ये क्या कह रही है तू? मैं सच कह रही हूँ डैडी, मैं जय को पसंद करती हूँ। आप कैसे भी कंवर साहब को मना कर दीजिए प्लीज डैडी। कंवर साहब को मना कर दो? लेकिन हम उनसे वादा कर चुके हैं बेटा, और ये जय कौन है? मैं आपको जय से मिलवा दूंगी, लेकिन आप कंवर साहब को मना कर दीजिए डैडी प्लीज। कंवर साहब सिर्फ मेरे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं, मैं उनसे किसी हालत में शादी नहीं कर सकती डैडी। प्लीज डैडी कुछ कीजिए प्लीज। हाँ हाँ, लेकिन मैं तो समझा था कि तुम, और मेरा ख्याल है कि कुंवर साहब भी यही समझते हैं कि, पता नहीं कुंवर साहब इस बात को कैसे। ठीक है, ठाकुर साहब आपको पूरा यकीन है कि दुर्गा जी मुझसे शादी नहीं करना चाहती? क्या बताऊं कुंवर साहब, ये बात दुर्गा ने ही मुझसे कही है। अच्छा ठाकुर साहब, मैं आपकी इजाजत चाहता हूं। कुंवर साहब मैं बहुत शर्मिंदा हूं। प्लीज ठाकुर साहब प्लीज, आप मत शर्मिंदा महसूस कीजिए, आप मेरे बुजुर्ग हैं, बल्कि मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे दुर्गा जी के काबिल समझा। ये दूसरी बात है कि दुर्गा जी ने मुझे अपने काबिल नहीं समझा। मैं चलता हूं ठाकुर साहब। नमस्ते। ये फूल हमारे लिए थे, कोई हमसे इन फूलों की खुशबू चुराने की कोशिश कर रहा है। तिवारी पता लगाओ कि वो कौन है। जी रंग, वही कद, वही चेहरे, लगता है मानो वक्त अपनी रीत छोड़कर पलट आया है और उसने चंदा और सूरज में दोबारा जान फूंक दी है। कौन सूरज, कौन चंदा? वही जिनकी ये समाधि है, सूर्यवंशी राजकुमार सूरज और चंद्रवंशी राजकुमारी चंदा में अटूट प्यार था। लगता था जैसे भगवान ने यह दुनिया सिर्फ उनके प्यार को पतवार देने के लिए बनाई थी। कभी राधा और कृष्ण का रूप धरकर, कभी हीरो राजा के भेष में, कभी सोनी मेवाल बनकर युग युग से इस धरती पर प्रेम का संदेश फैलाने चंदा और सूरज जन्म लेते रहे। युग में गाते रहे, नगमे सुनाते रहे प्यार के, आते रहे दिल
में डूबे फिर भी पा गए हम तुम की
का दस्तूर निराला है, दिए की तरह रूह तो रोशन करता है, मगर अपने तले नफरत के अंधेरे भी पालता है। दोनों घरानों में दुश्मनी की वजह से उनका प्यार फल नहीं पाया, पर जब चंदा और सूरज ने महसूस किया कि जिंदगी उन्हें किसी तरह नहीं मिलने देगी, तो उन्होंने मौत के गोद में दूसरे का हाथ थाम लिया। शरद पूर्णिमा की रात को उन दोनों ने यहीं खुदकुशी कर दी। तब से लोग यही मानते हैं कि अगर सच्चे प्रेमी शरद पूर्णिमा की रात को आकर यहां दीप जलाएं, तो उन्हें मिलन के लिए मौत का सहारा लेना नहीं पड़ता। ये क्या दुर्गा, तुम्हारी आंखों में आंसू? यासु दुख के नहीं जय, राहत के हैं। कम से कम हमारे प्यार में खानदानी दुश्मनी आड़े तो नहीं आएगी। नहीं आएगी। तुम बड़े मजेदार लतीफे सुनाते हो तिवारी। वाह, क्या लतीफा सुनाया है कि उनका प्रेम खानदानी दुश्मनी के वजह से खुद अपनी मौत मर जाएगा। वाह तिवारी, जब ये लतीफा ठाकुर साहब के कानों में पड़ेगा तो जिंदगी का बहुत बड़ा मजाक बन जाएगा। दादी, आप जैसे मिलना चाहते थे ना, वो कल आपसे मिलने आ रहा है। कोई जरूरत नहीं उसे यहाँ आने की। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया है कि वो कौन है और किस खानदान से ताल्लुक रखता है। मैं कुछ समझी नहीं डैडी। तुम समझो या ना समझो, लेकिन इतना जान लो कि सेंगर खानदान में तुम्हारी शादी हरगिज नहीं हो सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि उसके पिता ने हमारे पिताजी की जान ली थी। क्या बात है हुजूर, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्या कोई खास खबर मिल गई? खास खबर नहीं जी, नई नजर मिल गई है। तिवारी जी, हमारा नाम तो इतिहास में आना चाहिए। जी हुजूर। उल्लू का पट्टा। जी हुजूर, कह दिया, पूछा नहीं क्यों। क्यों सरकार? शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट लिखा, वारिस शाह ने हीर रांझा और बुले शाह ने सोनी महिवाल, और ये तीनों अमर हो गए। मगर इन तीनों ने सिर्फ ड्रामा लिखा जिसके अंदर प्रेमी अपनी प्रेमिका से नहीं मिल सका, लेकिन हमने यह सब हकीकत में कर दिखाया। अब जयसिंह दुर्गा से नहीं मिल सकेगा। देख रहा हूं कि अगर हमारे बीच खानदानी दुश्मनी है तो फिर तुम्हें देखकर मेरे दिल में नफरत की जगह मोहब्बत क्यों उभरती है? इसलिए कि परसों पहले दफनाई गई दुश्मनी हमारे प्यार की दुश्मन नहीं बन सकती।
ये क्या हो गया जय? हमारे प्यार को किसकी नजर लग गई? शायद मेरी ही नजर लगी है दुर्गा। तुम्हें पाकर मुझे ऐसे लगने लगा था कि भगवान के पास मुझे देने लायक कुछ भी नहीं रहा। अब क्या होगा जय? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। मैं तो तुम्हारे बिना मर भी नहीं सकता। ऐसा मत कहो जय। जय, सूरज और चंदा की तरह हमारा मिलन कहीं मौत की किताब में तो नहीं लिखा? नहीं दुर्गा, अब जमाने में वो दम नहीं रहा जो सच्चे प्रेमियों की पुकार को दबा सके। मुझे पूरा विश्वास है हमारे बीच निकल आए इस दरार को मिटाने के लिए कोई ना कोई सूरत जरूर निकल आएगी। आ जाओ। कैसा है डैडी, आप हमारे साथ खेलेंगे? हाँ जरूर खेलेंगे। आजकल दादाजी हमारे साथ नहीं खेलते। अच्छा, कैसे हो? ये कैसी उदासी छाई है? बबलू अकेला खेलता है, जय मुझे स्टेशन पे लेने नहीं आया, आखिर बात क्या है? बात यह है बरखोरदार, कि आपके छोटे भाई श्रीमान जय सिंह सेंगर हमारे खानदानी दुश्मन दिग्विजय की बेटी के साथ इश्क फरमाने लगे हैं और चाहते हैं कि उस कमीने खानदान के जलील खून को हम बैंड बाजे के साथ ब्याह कर यहाँ ले आए। बताओ, ठाकुरों के परिवार में आज तक किसी ने ऐसी बेहुदा बात सोची है? ठाकुरों के परिवार में सोचने का रिवाज ही कब रहा है? तुम कहना क्या चाहते हो? पिताजी, दादाजी का स्वर्गवास हुए आज 30 साल हो गए। इन 30 सालों में हमारी या उनकी तरफ से ऐसी कोई हरकत नहीं हुई जिसे दुश्मनी का जामा पहनाया जा सके। फिर कौन सी दुश्मनी का जिक्र कर रहे हैं आप? पागल हो गए हो तुम? तुम अपने दादाजी की मौत को भूल सकते हो, लेकिन हम अपने पिता के कातिल को कभी माफ नहीं कर सकते। लेकिन पिताजी, इसमें उस बेचारी लड़की का क्या दोष है जो हमारे घर में बहू बन कराना चाहती है? दोष? उसका दोष यह है कि उसकी रगों में भी उस कातिल का खून दौड़ रहा है। अगर खून में इतना असर होता तो फिर मेरे और आपके सोचने के तरीके में इतना फर्क क्यों? मेरी रगों में भी तो आपका खून बह रहा है। देखिए पिताजी, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं। आप समझदार हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि जय की जिंदगी दुर्गा बगैर बेमानी हो जाएगी। क्या हम जय का भविष्य अतीत के हाथों दफन कर देंगे? नहीं पिताजी, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप कहाँ जा रहे हैं? ठाकुर दिग्विजय सिंह के यहाँ रिश्ते की बात करने। लेकिन अगर पिताजी न माने तो? पिताजी भी मान जाएंगे अगर मैं दिग्विजय सिंह को मना पाया तो। भैया, भैया मत जाओ, मेरी वजह से पिताजी वैसे ही दुखी हैं, और ये मैं नहीं चाहता। मेरी मोहब्बत का फैसला मेरी किस्मत पे छोड़ दो। कैसी बात करता है पागल, मैं तेरा भाई हूं। अगर पिताजी की बात मानकर मैं खामोश हो गया तो तू अकेला पड़ जाएगा। और भाई, मैं तुझे अकेला नहीं होने दूंगा। चाबी। तुम्हारी यहां आने की जुर्रत कैसे हुई? हमने तुम्हारे बाप से कह दिया था कि अगर उसके खानदान का कोई भी आदमी यहां नजर आया तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो तुम्हें बताना भूल गया या उसे तुम्हारी जिंदगी प्यारी नहीं? दुनिया में ऐसा कौन बाप होगा जिसे अपने बेटे की जिंदगी प्यारी ना होगी? मगर आपको मेरी जान लेकर जरा भी तसल्ली पहुंचती है
तो मैं हाजिर हूं। क्या हो? मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आप अपना आशीर्वाद देकर दुर्गा जी और जय को विवाह के पवित्र बंधन में बांध दीजिए। तुम वाकई अपनी जान हथेली पर रखकर आए हो, जानते नहीं कि हम तुम्हारे खानदान के साथ संबंध तो क्या दुश्मनी भी नहीं रखना चाहते? जानता हूं ठाकुर साहब, बखूबी जानता हूं, क्योंकि दुश्मनी रखने के लिए जिस नफरत की जरूरत होती है वो हमारे दिलों में जरा भी मौजूद होती तो 30 साल से हम लोग चैन की जिंदगी बसर नहीं कर रहे होते। और ये जानते हो कि तुम लोग चैन की जिंदगी क्यों बसर कर रहे हो? क्योंकि हमने तुम्हारे बाप को जिंदा छोड़ दिया था। जानता हूं ठाकुर साहब, अगर आप चाहते तो उसी वक्त अपने हाथ खून से रंग सकते थे, मगर आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते थे जो हुआ उसकी वजह राजपूती खून की गर्मी थी, झूठा अहंकार था। झूठा अहंकार हम में नहीं, तुम्हारे बाप में था। इसीलिए तो आपके पास आने की हिम्मत हुई। आप इंसाफ पसंद इंसान हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं ठाकुर साहब, दो मासूम दिलों को मायूस मत कीजिए। अगर उन्हें मोहब्बत में कामयाबी नहीं मिली तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठाकुर साहब, भगवान के देव इस मौके को हंसकर गले से लगा लीजिए और पुरानी बातें भूल जाइए। परंपरा यह है कि जब बुजुर्ग घर में मौजूद हों तो बच्चे शादी ब्याह की बात नहीं किया करते। फिलहाल तो मैं यही कह सकता हूं। आपका यही कहना बहुत है ठाकुर साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पिताजी जल्द ही आपसे आकर मिलेंगे, वो जरूर आएंगे ठाकुर साहब। अब मुझे आज्ञा दीजिए, एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब, और आपका भी हुजूर, आपकी मौजूदगी बहुत ही शुभ साबित हुई। हमसे क्या पूछते हो, अपने चाचा जी से पूछो, वो जवाब देंगे। बोलो ना चाचा जी। आ बेटा, बबलू जाओ जाके सो जाओ, बहुत देर हो गई है। हम नहीं सोएंगे जब तक डैडी नहीं आएंगे, हम नहीं सोएंगे। पिताजी सदा स्वागत रहो।
तुमने तो वादा किया था ना कि इस बार वापस आकर तुम कहीं नहीं जाओगे, हमेशा मेरे पास मेरे साथ रहोगे। तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। डैडी, डैडी, चाचा जी, डैडी हमसे और मम्मी से बात क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम्हारे डैडी मार दिए गए हैं और इनकी मौत का जिम्मेदार तुम्हारा अपना चाचा है। देख, अपने जुनून का नतीजा देख, जिस कातिल की बेटी की मांग में तू सिंदूर बनना चाहता है, उसी दास तेरी भाभी की मांग का सिंदूर मिटा दिया। देख खुदगर्ज, देख। लेकिन लेकिन तू क्या देखेगा, तेरी आंखों पर तो इश्क का पर्दा पड़ा हुआ है। तू खड़े खड़े अपने बड़े भाई की लाश पर आंसू बहा, मैं उस कमीने का खून बहाने जा रहा हूं। पिताजी, मैं आपके खून की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं अपने भाई के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा हुआ तुम मिल गई। नफरत की मंजिल तक पहुंचने से पहले मोहब्बत को अलविदा करना बहुत जरूरी था। मेरी मोहब्बत में कहां कमी रह गई जय, जो नफरत ने तुम्हारे दिल पर काबू पा लिया। दिल तो मेरा अब भी तुम्हारे काबू में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मोहब्बत के हाथों में अपने जज्बात लुटा दूं। वो जिसका खून हुआ है मेरा अपना खून था, भाई था वो मेरा, जिसे तुम्हारे बाप ने बेमौत मार दिया है। जो हुआ है उसका मुझे दुख है, लेकिन तुम मेरे डैडी पर खामोखा शक कर रहे हो। वो ऐसी जलील हरकत नहीं कर सकते, मुझ पर विश्वास करो जय। तुम पर विश्वास है मुझे, लेकिन अपने भाई के कातिल की बेटी पर नहीं। गलत सुना था कि मोहब्बत अंधी होती है, देख रही हूं कि अंधी तो नफरत होती है। जय, क्या तुम नफरत की वेदी पर मोहब्बत को कुर्बान कर दोगे? मोहब्बत को कुर्बान करना मेरे बस में होता तो इस वक्त मैं तुमसे बहस नहीं करता। मोहब्बत मेरा ईमान है, तो अपने भाई की मौत का बदला मेरा धर्म है। अगर इंतकाम तुम्हारा धर्म है तो फिर कसम तुम्हारी, अपने पिता की हिफाजत करना मेरा धर्म है। उनका कोई बेटा नहीं है ना, सही, मैं तो हूं उनकी बेटी, और जब तुम आओगे तो मैं उनके सामने खड़ी हो जाऊंगी बेटा बनकर। यानी कि मोहब्बत से टक्कर लो। अपनी मोहब्बत को जख्मी करने की ताकत मुझ में नहीं है, मैं तो बस तुम दोनों को सलामत देखना चाहती हूँ। जो कि नामुमकिन है। नामुमकिन नहीं है, क्योंकि तुम दोनों के बीच मैं हूं। और तुम्हें एक को चुनना होगा। नहीं चुन सकती, क्योंकि तुम दोनों ही मेरी जिंदगी हो। तो तुम मेरा रास्ता भी नहीं रोक सकती, हट जा मेरे रास्ते से। मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं कि तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं, उसके लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। लगाओ निशाना और चला दो बंदूक। चलाओ गोली, कम से कम दुनिया वाले हमें याद तो रखेंगे कि जिसे मोहब्बत में दिल दिया था जान भी उसे दे दी।
हमारी भूल थी जो हमने तुम पर विश्वास किया। हम नहीं जानते थे कि हमारा खून तुम्हारी रगों में पहुंचकर पानी बन जाएगा। हमें पहले ही समझ लेना चाहिए था कि जिस आदमी का दिल एक लड़की की मोहब्बत का गुलाम बन जाए उसके कमजोर बाजू बंदूक का बोझ उठाने के लायक नहीं रहेंगे। अपने कमजोरी को बेबसी का लिबास मत पहनाओ। अगर तुम्हारे दिल में अपने भाई की मौत का जरा भी अफसोस है तो जाओ, जाकर उस ठाकुर को मौत के घाट उतार दो। पिताजी बस कीजिए, यह हिंसा का उपदेश जो कुछ हो चुका है इस जिंदगी के लिए काफी है, वरना हमारी रही सही खुशियां भी तमाम हो जाएंगी। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे पति की मौत का बदला लिया जाए? अगर बदला लेने से मेरे पति लौट आएंगे, मेरी मांग में सिंदूर भर जाएगा, तो फिर जरूर बदला लीजिए पिताजी। मगर आप जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जाने वाला किसी भी सूरत में लौट के नहीं आएगा। तो क्या तुम चाहती हो कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें और हमारी खुशियों का लुटेरा चैन से जिंदगी बसर करें? आप ठाकुर दिग्विजय को अपना दुश्मन मानते हैं और उसे भगवान का दर्जा दे रहे हैं। किसी भी इंसान में इतनी ताकत नहीं कि वो दूसरे इंसान की खुशियां लूट सके। पिताजी जो कुछ हुआ मेरी किस्मत थी, जिसे 30 बरस पहले की लगाई हुई नफरत की आग ने जलाकर विधवा बना दिया मुझे। और अगर इस आग को आप लोग इसी तरह हवा देते रहे तो आज जिसकी वजह से मेरी मांग सुनी हुई है, कल उसी की वजह से मेरी गोद भी सुनी हो सकती है। मैं अपनी खातिर नहीं, आपकी खातिर नहीं, अपने बेटे की जिंदगी की खातिर आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ कि नफरत की इस आग को हमेशा के लिए शांत कर दीजिए। मुझसे मेरी ममता का आग मत छीनिए, मत छीनिए मुझसे मेरी क्या हाल बना रखा है रे, ऐसी सूरत बनाकर बहुत खुशी पहुंचा रहे हो ना अपनी भाभी को। तो क्या करूं भाभी, बदकिस्मत हो ना, किसी को क्या खुशी पहुंचा सकता हूं मैं। भाभी खुशी मेरी जिंदगी के रेगिस्तान में नजरों का वो धोखा है जो दूर से पानी बनकर चमकता है, और जब मैं पास जाता हूं तो सिर्फ रेत हाथ आती है। ऐसी बहकी बहकी बातें करके मेरा तो क्या, तुम अपना दिल भी नहीं बहला सकते जय। दिन रात जिसके ख्यालों में घुलते रहते हो, सब कुछ भूलकर उसे अपना क्यों नहीं लेते? भाभी क्यों जय, मैंने कुछ गलत कह दिया? अगर सब कुछ भुलाना इतना ही आसान होता तो सबसे पहले मैं शायद उसे भुलाने की कोशिश करता।
नहीं बेटे, लेकिन वो आएगा जरूर, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैंने उसके चेहरे पर प्रेम का सूरज देखा था। सोचा था कि विशाल सिंह का खून सेंगर खानदान के खून को खोला देगा। दुश्मनी की बुझी इराक में फिर से चिंगारियां भड़क उठेंगी। दोनों खानदान नफरत की आग में एक बार फिर से जल जाएंगे। मगर लगता है कि सेंगर खानदान का खून पानी हो चुका है। खून पानी नहीं हुआ है सरकार, नफरत की जो आग हमने लगाई थी उसे प्यार की बौछार ने फैलने से पहले ही बुझा दिया। प्यार की बौछार को गुस्से की भाप में भी तब्दील किया जा सकता है। वो कैसे हुजूर? फिक्र मत कीजिए तिवारी साहब, ये शुभ कार्य आप ही के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। तू यहां चला जाए यहां सवरना। जानता हूं कुंवर साहब कि आप मेरी सूरत तक देखना नहीं चाहते, मगर क्या करूं, मजबूरी थी। अपनी सूरत दिखाए बिना मैं आपको ये जंजीर भी तो नहीं दिखा सकता था। ये तेरे पास कहां से आई? आई नहीं, बड़ी मुश्किल से हासिल की। कहां से? ठाकुर दिग्विजय सिंह के दरबान से। दिग्विजय सिंह? जी हां, उन्हीं के दरबान से। उसके पास ये जंजीर देखते ही मैं पहचान गया कि ये तो
स्वर्गवासी बड़े कुंवर साहब की। ओह, मेरा तो दिमाग ही घूम गया। और जब मैंने उससे पूछा कि तेरे पास ये सोने की जंजीर कहां से आई, तो कहने लगा कि ठाकुर साहब ने बख्शीश में दी। बस मैंने सोच लिया, क्या आप चाहे मुझे देखते ही गोली क्यों ना मार दें, लेकिन मैं आपके नमक का हिसाब चुकाए बिना इस दुनिया से नहीं जाने वाला। ठाकुर दिग्विजय सिंह। कहाँ जा रहे हो साहब? जनाब, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? आप हैं कौन? बेहुदा सवाल मत कर, ये बता के ठाकुर दिग्विजय सिंह कहां है? मुझे अपने भाई की मौत का हिसाब चुकाना है, बता। ओ, तो तुम सेंगर साहब के छोटे बेटे हो, तो फिर ठाकुर साहब ठीक ही सोचते हैं, तुम दुर्गा से नहीं ठाकुर साहब की दौलत से प्यार करते हो। मुझे क्यों मारते हो? मैं तो वही कह रहा हूं जो ठाकुर साहब सोचते हैं। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि ठाकुर साहब दुर्गा के साथ सुबह से शहर गए हैं। अगर वो यहां पर होते तो तुम्हारा भी वही हाल होता जो तुम्हारे बड़े भाई का हुआ था। ठाकुर साहब ने तुम्हारे भाई को बोल तो मेरे भाई की मौत के बारे में क्या जानता है? तुम्हारे भाई को क्या क्या जानता है मेरे भाई की मौत के बारे में? मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। तुम ठाकुर पे पर्दा डाल सकते हो, लेकिन मैं अपने भाई के कातिल को कभी नहीं माफ करूंगा। कह देना उस कमीने ठाकुर से कि वो उधार की जिंदगी जी रहा है, क्योंकि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहां गए ये सब लोग? बहादुर! अरे कुंवर साहब, क्या हुआ? सिंहगढ़ साहब का छोटा छोटा बेटा आया था और इन लोगों से मारपीट कर रहा था। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो वो मेरे साथ भी जानवरों की तरह पेश आया। कहने लगा कि आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। बड़ी मुश्किल से उसे यहां से बाहर निकाला, लेकिन जाते जाते कह गया है कि वापस जरूर आएगा। उस कमीने की ये हिम्मत! डैडी नहीं, डैडी मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डैडी प्लीज, आपको मेरी कसम है डैडी। मुझे कसम मत दो, हट जाओ। नहीं डैडी, हटती है कि नहीं? हट जाओ। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए मुझे डैडी, प्लीज मत जाइए डैडी। आज मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Thank you.
पापी को अपने पाप की सजा जरूर मिलती है और इस दुनिया में ही मिलती है। तुमसे तो वह बच गया लेकिन अपनी करनी से वह कब तक बच सकता था। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि उसकी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं कहलाऊंगा। क्या ठाकुर दिग्विजय सिंह मर गए? जाको राखे साईया मार सके ना कोई। हम तो यही कहेंगे कि प्रभु की बहुत बहुत कृपा रही। प्रभु की कृपा तो है ही पंडित जी, लेकिन अगर कुंवर साहब मुझे वक्त पर ना बचाते तो। ठाकुर साहब आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? भला मैं आपको बचाने वाला कौन होता हूं? जिंदगी और मौत तो दोनों ऊपर वाले के हाथ में है, क्यों पंडित जी? अगर जिंदगी और मौत दोनों ही ऊपर वाले के हाथ में है कुंवर साहब, तो कातिल खूनी और हत्यारा ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? ये सब माया का खेल है ठाकुर साहब। कौन क्या है ये जानना बहुत कठिन काम है। जिसे हम दुश्मन समझते हैं वो अपना निकल आता है और जिसे अपना समझते हैं वही समय आने पर दुश्मन साबित हो जाता है। क्यों कंवर साहब? जी जी हाँ बिल्कुल बजा फरमाया आपने। अब आज्ञा दीजिए, कल मंदिर में प्रथम आरती के अवसर पर आप सभी से भेंट होगी। मैं तो नहीं आ पाऊंगा पंडित जी, लेकिन दुर्गा कुंवर साहब के साथ आएगी। डैडी मैं। बेटे मंदिर के काम के लिए इनकार नहीं किया करते। पंडित जी जी ये दोनों अवश्य आएंगे। जी अच्छा कल्याणमस्तु। जीते रहो बेटा। पंडित जी आप तो यहाँ कई पुश्तों से रह रहे हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे और सेंगर परिवार के बीच में पुश्तैनी दुश्मनी है। फिर आपने हम दोनों को एक साथ एक मौके पर बुलाने की भूल कैसे की पंडित जी? ना बेटी ना, माँ के दरबार में मुंह से कड़वे बोल नहीं निकालते। यहाँ कोई बैरी है न शत्रु, सब उनकी संतान है। तुम शांत मन से उनकी पूजा करो, उनके आशीर्वाद से सब भला हो जाएगा।
अपने हो ना भरोसा जिसको है नादान, पाने वाले पा जाते हैं पत्थर में भगवान। हो सच्चा है तेरा नाता, तेरी दुहाए माता मां, फैसला कर दे एक बार, जग में नफरत रहेगी के प्यार। को अमृत करना प्यार का काम, ये वो आग है जिसमें जलकर मिलता है आराम। जय माता की, जय माता की। मन में तो है वैर कपट और मुंह पर प्यार का नाम, जाने क्यों करती है दुनिया प्यार को यूं बदनाम। अचानक क्या हो गया है? मुझे होश आ गया है कि जिस तरह एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह प्यार की मयान में दुश्मनी की तलवार भी नहीं रह सकती। जय
क्या बात है दुर्गा, तेरे से लगता है कि तुम मंदिर से नहीं जंग के मैदान से आ रही हो। बजा फरमाया आपने, वहां पर इनकी मुलाकात सेंगर साहब के साहबजादे से हुई थी। वो मनहूस अपने नापाक इरादों के लेकर वहां भी पहुंच गया। लगता है कि उसके साए से दूर रहने के लिए उसके साए को मिटाना ही होगा। दुर्गा। जी डैडी। नीचे आओ। जी। दुर्गा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी और कुंवर साहब की शादी जल्द से जल्द कर दी जाए। तो ऐसे चौंक गई जैसे बिजली की तार छू गई हो। लेकिन डैडी। बोलो। डैडी, इस वक्त मैं इतनी परेशान हूं कि शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। इन बातों से तुम किसी और को भ्रम में डाल सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि अभी भी तुम्हारे दिल में उसकी याद बाकी है? नहीं डैडी, ये बात नहीं। यही बात है। जिसने तुम्हारे बाप की जान लेना चाही वो आज भी तुम्हारे बहुत करीब है, और जिसने तुम्हारे बाप की जान बचाई वो आज भी तुम्हारे करीब होने के काबिल नहीं। ठाकुर साहब, बड़े अफसोस की बात है कि तुम्हें अपने बाप का दुश्मन अपने बाप से ज्यादा प्यारा है। ठाकुर साहब, अब दखलंदाजी के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन आप इस मामले को ज्यादा ही नाजुक बना रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो इस बारे में मैं दुर्गा जी से कुछ बात करना चाहूंगा। कहिए, क्या कहना चाहते थे आप मुझसे? दुर्गा जी, ठाकुर साहब चाहते हैं कि आपकी और मेरी शादी कर दी जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता। बड़ी किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके प्यार को प्यार मिलता है, मगर मैं जानता हूं कि मेरी किस्मत में आपका प्यार नहीं है, लेकिन मैंने आपको दिलो जान से चाहा है, दिलो जान से आपसे प्यार किया है। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। मैं आपका मतलब नहीं समझी। अगर आप मेरा मतलब समझ पाती तो आज हालात ये ना होते, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप जैसे बेहद मोहब्बत करती हैं, और मैं आप दोनों को मिलाने के लिए अपनी जान तक दे सकता हूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप भी मेरी तरह मोहब्बत में तड़पें। मुझे वो रास्ता दिखा दीजिए जिससे मैं ठाकुर साहब और जय के बीच में पैदा हुई गलतफहमी को दूर कर सकूं। मैं जय के सामने हाथ जोड़कर। आपको उसके सामने हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जय से नफरत करती हूँ। उसने मेरे डैडी की जान लेनी चाहिए। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। अगर मैं प्यार निभा सकती हूँ तो दुश्मनी भी निभा सकती हूँ। की जान बचाना चाहते हो तो मोती डुंगरी चले आओ, तुम्हारे भाई का सर काट लो। आखिर तुम लोग हो कौन? चाहते क्या हो? हम कुछ नहीं चाहते, हमारे मालिक चाहते, और वही जाने कि वो क्या चाहते। कौन है तुम्हारा मालिक? जय सिंह जी साहेब सेंगर।
मालिक आ गए। तू हरामजादे है? आगे मत बढ़िए हुजूर, गाली मत दीजिए, जरा आहिस्ता बात कीजिए। और अगर मेरी बात सुनने में बुरी लगती हो तो कुछ बोलने से पहले जरा अपनी बाईं तरफ देख लीजिए। ना ना, गुस्से से नहीं, मुस्कुरा कर बात कीजिए, वरना क्या उसे मालिक? हुजूर, जब तक मैं पेड़ से बंधे आदमी को आजाद न कर लूं, आप मुस्कुराकर बख्शी से बात करते रहिए और फिर उसके बाद उसके साथ चले जाइएगा। जी जी, हाँ लाइए, मैं आपकी बंदूक रख लेता हूं, लाइए जी, मुस्कुराते रहिए जी। हाँ हाँ, अच्छी बात जी, मालिक ने तुम्हें आजाद करने का हुक्म दिया है। तुम ठाकुर दिग्विजय सिंह को खबर कर दो कि अगर उसे अपनी बेटी की सलामती चाहिए तो वो फौरन यहां पहुंचे। मालिक को अपने भाई की मौत का बदला लेना है। मैं सोच भी नहीं सकती थी जय कि तुम इतना नीचे गिर सकते हो। अगर तुम्हें अपने भाई की मौत का बदला ही लेना है तो फिर मेरी जान ले लो। जय, मुझे तो तुम्हारी बुजदिली पे शर्म आती है। तुम कायर हो, धोखेबाज हो। क्या कम बख्त गिरा भी तो हमारे कदमों पर, इसका तो जन्म सफल हो गया। तुम में से एक सेंगर के यहां खबर पहुंचा दो कि उनका बेटा जय ठाकुर दिग्विजय सिंह के कब्जे में है, और अगर उन्हें अपने बेटे की जिंदगी चाहिए तो वो फौरन मोती डोंगरी पहुंच जाएं। और मैं ठाकुर साहब के यहां जाता हूं, उनसे कहता हूं कि उनकी बेटी दुर्गा सेंगर के कब्जे में है, अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वो भी मोती डोंगरी पहुंच जाएंगे। बस फिर क्या है, दुश्मनी की आग में जल रहे दोनों ठाकुर आपस में लड़कर मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बचेगा कौन? मैं, दुर्गा। और ये सेंगर के मोती डोंगरी पहुंचने से पहले इसकी लाश को उसके रास्ते में फेंक देना। जवान बेटे की लाश को देखकर बूढ़े बाप की रगों में लड़ने का जोश चाक जाएगा। उस जलील की यह हिम्मत, उस कम वक्त को मालूम नहीं कि उसने हरि सिंह सेंगर को ललकारा है। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, कुंवर साहब, ठाकुर साहब, कुंवर साहब, ठाकुर साहब, ये आपको क्या हुआ कुंवर साहब? आप मेरी चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब, आप फौरन जाकर दुर्गा जी को बचा लीजिए। सिंगर ने कहला भेजा है कि अगर आप में अपनी बेटी को बचाने की हिम्मत है तो मोती डूंगरी पहुंच जाइए। जाइए ठाकुर साहब, जाइए। जलील मक्कार, लगता है तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। सेंगर, जब इसको मारना ही है तो इसे होश में क्यों ला रहे हो? हम कबीले वाले बेहोश आदमी की हत्या नहीं करते हैं। घड़ी निकलती जा रही है और ये होश में ही नहीं आ रहा। नबज तो बराबर चल रही है। रुक जाओ। दुर्गा को अपने कब्जे में करके तू और तेरा बेटा दोनों मिलकर भी मेरी हिम्मत पस्त नहीं कर सकते। आज मैं तुम दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा। आ!
मालिक, मैं कोई मालिक कोई सबूत नहीं छोड़ता मालिक। दादी कहाँ है? उन्हें सिंगर के आदमियों ने घेर लिया है, चलो यहां से। एक बार तूने हमारी जान बख्शी थी, आज हम भी निहत्ते पर वार नहीं करेंगे। नहीं, नहीं। इससे पहले कि आप एक दूसरे की जान ले लें, इस हत्यारे से सारी सच्चाई जान लीजिए। बोल कमीना है, बोल। सारे फसाद की जड़ हम ही है। मैंने भवन सिंह के कहने पर हाँ, विशाल की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। मेरे ही कहने पे चांगा ने ठाकुर साहब पे हमला किया ताकि ऐन मौके पे मैं उन्हें बचा सकूं और वो खुश होकर मेरी शादी दुर्गा के साथ कर दें। मैंने दुर्गा के दिल में जय के खिलाफ नफरत पैदा करना चाहिए ताकि वो मुझसे मोहब्बत करने लगे। मेरा राज फाश हो गया तो क्या हुआ? दुर्गा अभी भी मेरे कब्जे में है और मैं इसे यहां से लेके जा रहा हूं। अगर किसी ने मेरे पीछे आने की कोशिश की तो दुर्गा की मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा। सदा सुहागिन रहो।